गाइस ये कहानी है भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीतारामा राजू और कोमाराम भीम के बारे में। ये कहानी है भारत के दो वीर योद्धाओं के बारे में जिन्होंने अपनी देश की रक्षा और स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों और हैदराबाद के निजामों से लड़े और वीरगति को प्राप्त हुए। गाइस हमारा देश भारत को आज़ादी तो 15 अगस्त 1947 को मिली, मगर इससे पहले लगभग 100 सालों तक मुगल और अंग्रेजों ने शासन किया। इस दौरान बाहर से आए लुटेरों ने देश को लूटा और देश की संस्कृति को बर्बाद करने की कोशिश भी की। जहां मुगलों ने भारत को फूट डालकर बर्बर लुटेरों की तरह इस देश की संस्कृति, शौर्य और इतिहास को बर्बाद करने की कोशिश की, वहीं अंग्रेजों ने भारत की शिक्षा व्यवस्था, भारतीय संस्कृति और भारतीय स्वर्णिम इतिहास को मिटाने की भी बुरी कोशिश की थी। गाइस हम लोग भारत के लिए वीरगति को प्राप्त होने वाले महान स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बहुत कम जानते हैं, और अगर यही चलता रहा तो हमारे आने वाली पीढ़ी कहीं उन्हें भूल ना जाए। गाइस बॉलीवुड हमेशा से भारतीय संस्कृति और उसके स्वर्णिम इतिहास को झुटलाता आया है गाइस, मगर साउथ के दिग्गज डायरेक्टर SS राजामौली ने भारतीय संस्कृति और इतिहास पर बाहुबली के बाद अपनी नई फिल्म सबसे बड़ी RRR को रिलीज़ करने वाले हैं। गाइस इस फिल्म में भारत के दो स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम की असली कहानी दिखाई जाएगी। गाइस यह SS राजामौली की करियर का सबसे बड़ा बजट फिल्म है। गाइस इस फिल्म का प्रोडक्शन वैल्यू 400 करोड़ है, और इस बात के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारा स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी दिखाने के लिए इस फिल्म में कितनी मेहनत की गई है। गाइस अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम के बारे में तमिलनाडु और तेलंगाना को छोड़कर बाकी सभी राज्य बहुत कम जानते हैं, और वह बेहद ज़रूरी है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी के बारे में हमारी नई पीढ़ी को पता चले। अल्लूरी सीताराम राजू भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी हैं। इनका जन्म 4 जुलाई 1897 को विशाखापट्टनम के पौंड्रिक गांव में हुआ था। अल्लूरी सीताराम राजू के पिता का नाम वेंकट रामा राजू और माता का नाम सूर्य नारायण अम्मा था। गाइस बचपन में अल्लूरी सीताराम राजू के पिता का मृत्यु हो गई थी। इस घटना के बाद अल्लूरी सीताराम राजू अपने चाचा रामकृष्ण राजू के साथ पश्चिम गोदावरी जिले में नरसरपुर गांव में रहने लगे। गाइस चाचा रामकृष्ण राजू पेशे से एक तहसीलदार थे, और इन्होंने ही अल्लूरी सीताराम राजू की बचपन में देखरेख की। गाइस चाचा ने बचपन से सीताराम को देशभक्ति और देश प्रेम की भावना सिखाया करते थे। उन्होंने हमेशा सीताराम को कहा कि अंग्रेज भारत को लूट रहे हैं और हमें इनसे अपना देश वापस लेना है। कोमाराम भीम भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं जिन्होंने हैदराबाद के निजाम मनमोजी नियम और आदिवासियों के साथ गलत बर्ताव के खिलाफ आवाज़ उठाई और अत्यंत वीरगति को प्राप्त हुए। गाइस कोमाराम भीम के बारे में तेलंगाना छोड़कर भारत के अन्य हिस्सों में लोगों को कम पता है। गाइस इसका कारण यह है कि इन पर लिखी गई ज़्यादातर लेख तेलुगु भाषा में हैं। गाइस कोमाराम भीम का जन्म 22 अक्टूबर 1901 को तेलंगाना के अधीर आज़ाद जिले में हुआ था। इन्होंने 1940 में जल जंगल और जमीन का नारा दिया था। गाइस इसका मतलब है जंगल से जुड़े जमीन जल और अन्य चीज़ों पर आदिवासी का हक है। गाइस कोमाराम भीम ने किसी प्रकार की स्कूली शिक्षा नहीं ली थी। इन्होंने अपने समाज के बीच रहकर अपने समाज के प्रति परेशानियों को देखा और उसे समझा। गाइस उस वक्त अंग्रेज सरकार का हैदराबाद के निजाम द्वारा आदिवासी समाज पर बहुत जुल्म किया जाता था और उनसे ज़्यादा टैक्स लिया जाता था। इसके खिलाफ कोमाराम भीम और उनके साथियों ने आवाज़ उठाई, और इसी बीच सिद्दीकी नामक एक व्यक्ति जो आदिवासी समाज से ज़बरदस्ती टैक्स वसूलने के लिए आया था उसे कोमाराम ने मार गिराया। गाइस RRR फिल्म का दर्शक को बेहद बेसब्री से इंतजार था। गाइस इस फिल्म में साउथ के सुपरस्टार रामचरण और NTR के साथ बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन मुख्य भूमिका में हैं। गाइस इस फिल्म के डायरेक्टर बाहुबली जैसी मेगा हिट फिल्म देने वाले SS राजामौली हैं। गाइस दरअसल हुआ यह है कि कोमाराम भीम असल में हैदराबाद के निजाम के खिलाफ लड़े थे, और उसी से लड़ने के दौरान उन्हें वीरगति प्राप्त हुई थी। गाइस कोमाराम भीम हैदराबाद के निजाम और इस्लाम के नियमों के खिलाफ थे, मगर RRR फिल्म में मेगा पोस्टर में कोमाराम भीम को मुस्लिम किरदार दे दिया गया है। गाइस इसी से आदिवासी समाज और कोमाराम भीम के फॉलोअर्स फिल्म के डायरेक्टर और निर्देशक पर सवाल खड़े कर रहे हैं और फिल्म के सीन को हटाने की मांग कर रहे थे।